आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय सिंह के वकील को पूरक आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने की बात कही। सुनवाई करते हुए कोर्ट का कहना था कि जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को बहस होगी। इस बीच जांच एजेंसी ईडी की ओर से कहा गया कि गवाह की सिक्योरिटी को देखते हुए किसी भी गवाह की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ईडी की इस मांग पर संजय सिंह की ओर से आपत्ति जताई गई। बता दें कि संजय सिंह के वकील फारूक खान ने कोर्ट में ईडी के रुख की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी ने सोमवार को एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि किसी भी गवाह की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। ईडी के पास इस आवेदन पर हमारी ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई। हमने कहा कि यदि जांच एजेंसी ऐसा आवेदन दायर करना चाहती थी तो उसे पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। संजय सिंह के वकील फारूक खान का कहना था कि ऐसे में जब जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है तो ऐसा किया जाना उचित नहीं है। ये सब जल्दबाजी की तकनीकें हैं ताकि 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए लगी हमारी जमानत याचिका निरर्थ हो जाए। दरअसल ईडी ने अपने आवेदन में कहा था कि एक रिजर्व गवाह का नाम गलती से उल्लेख कर दिया गया है, इस वजह से सिक्योरिटी के कारण वो सार्वजनिक डोमेन में नहीं आएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले सेव कर लिया। साथ ही अदालत ने ईडी को पूरक आरोप पत्र की प्रति रिजर्व गवाह के नाम का उल्लेख करने वाले हिस्से को हटाने और छिपाने की अनुमति दी। गौरतलब है कि आप नेता संजय सिंह को ईडी ने अगस्त में गिरफ्तार किया था। पहले ईडी ने सिंह से कई घंटों तक पूछताछ की थी जिसके बाद वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जिसके बाद से ही वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।